उत्तर प्रदेश में चल रही विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत कार्यक्रम लगातार जारी हैं। मंगलवार को बागपत के तेडा गांव में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा में हजारों लाभार्थी शामिल हुए। कार्यक्रम में संसदीय कार्य और औद्योगिक विकास राज्य मंत्री जसवंत सिंह सैनी मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे और उन्होंने 2047 तक भारत को आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार बनाने में योगदान देने की शपथ दिलाई। उन्होंने बताया कि तेडा गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम आयोजित हुआ है, जिसमें लोगों को शपथ दिलाई गई और सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी दी गई और लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन भी कराया गया। बस या ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल पर उन्होंने कहा कि कोई चुनौती नहीं है, बातचीत हो जाएगी और जल्द ही समाधान भी निकल जाएगा। तेरा गांव में आज विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सरकार के अधिकारी कर्मचारी भी उपस्थित हैं और नेड़ा गांव के लोग उपस्थित हैं। जो लाभार्थी हैं उनका रजिस्ट्रेशन कराए गए, स्वास्थ्य विभाग की टीम ने स्वास्थ्य की जांच की, किसानों को सम्मान दी कि योजनाओं की जानकारी देकर के उनको लाभ दिलाने का काम किया गया। बस भी हड़ताल पर हैं ड्राइवर और ट्रकों के ड्राइवर, क्या चुनौती मांग रहे हैं? कोई चुनौती नहीं, बात कर ली जाएगी, सब समस्या का समाधान हो जाएगा। ठीक है, कुछ महिलाएं भी मिली थी आपसे कि उनके खाते खुले नहीं खुले हैं और आयुष्मान? नहीं, ऐसा ना, हर गाँव में कुछ पात्र लोग जो होते हैं, कई पात्र हो कई पात्र नहीं होते हैं, तो उनको जानकारी नहीं होती है, जानकारी इस तरह के लोगों ने अपनी बात रखी, उनकी समस्या का समाधान हमारे अधिकारी यही मौके पर करेंगे।